हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ 5 मिनट में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी आलू और ब्रेड का स्नैक। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा। इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें। बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। तो सबसे पहले हमें लेना है 4 ब्रेड। यहाँ पे मैंने 4 बड़े ब्रेड लिए हुए हैं। अब मैं इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगी और इसे हम ग्राइंड करेंगे। ब्रेड को हमने ग्राइंड कर लिया है, इसे बाउल में हम डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। 2 आलू को मैंने उबाल के इसे ग्रेट कर लिया है। अब ऐड करना है चाट मसाला, थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च सूखी वाली, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच मैदा। मैदे की जगह आप बेसन, चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू ब्रेड का मिक्सचर बनके तैयार है। तो अब हम इसके छोटे छोटे पोर्शन लेके इसे हम कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से सभी को बना लेंगे। मिक्सर को हमने अच्छे से एक शेप दे दिया है, तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब मैं फ्लेम को लो पे रखूंगी और इसमें हम डाल देंगे आलू और ब्रेड के मिक्सर को। इसे हम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। आलू और ब्रेड का स्नैक हमारा बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। और अब हम इसे निकाल लेंगे पेपर नैपकिन पे और इसी तरह से हम और सभी स्नैक को फ्राई कर लेंगे। पाँच मिनट में हमारा तैयार हो गया है ब्रेड और आलू का क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक। आपने देखा, इसे बनाना बहुत आसान था। आप इसे इवनिंग टाइम, टी टाइम या फिर बारिश के मौसम के टाइम आप इसे कभी भी बना सकते हैं और इसे सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे सर्व किया है हरी चटनी के साथ। आप इसे सर्व करें टमाटो केचप के साथ भी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।